हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. नाउ वी डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन. सो लेट स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक ऑफ राज सिल्क मिल्स. प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016. Additional information: revenue from operations 300% of cost of material consumed 2016 and 31st March 2015 200% of cost of material consumed. Expenses: cost of material consumed in 2016 rupees 12 lakhs, in 2015 rupees 10 lakh. Other expenses 20% of cost of material consumed in 2016 and 2015 is 10% of cost of material consumed. Tax rate is both years 50% 50%. तो हम सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे. कॉम्पेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015 एंड 2016. ध्यान रखिएगा, हमें करंट ईयर पहले दिया है और प्रीवियस ईयर बाद में दिया है. तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर को पहले लिखेंगे और करंट ईयर को बाद में अरेंज करेंगे. तो पर्टिकुलर में पहला कॉलम बनाएंगे हम आइटम्स का. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम देखेंगे कि इसमें है 300% एंड 200%. 2015 में कोस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम का 200% है, जो कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम कितना है 10 लाख. तो 10 लाख का 200% होता है हमारे पास 20 लाख. तो हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा सेकंड कॉलम में 20 लाख. सिमिलरली द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन 2016 इज 300%. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 12 लाख. तो 12 लाख मल्टीप्लाई 300%. सो 2016 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 36 लाख. तो इसका डिफरेंस देखेंगे हम 20 लाख एंड 36 लाख में 16 लाख इसका डिफरेंस आ रहा है. बी माइनस ए इक्वल टू सी, 16 लाख. परसेंटेज फाइंड करेंगे. जैसे हमने परसेंटेज फाइंड किया था कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में, सेम एज इट इज़ इसी तरीके से हम परसेंटेज फाइंड करेंगे. फॉर्मूला इज सी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू डी. मीन्स 16 लाख अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाई 100. तो ये हमारा 80% फाइंड हो जाएगा. इसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस. अब हमारे को एक्सपेंसेस गिवन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन है 2015 का 10 लाख रुपीज़ और 2016 का 12 लाख रुपीज़. तो राइट करेंगे हम. सेकेंड है बी अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस है हमारे पास 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. तो 2015 का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है 10 लाख. तो 10 लाख का 10% कितना हुआ 1 लाख रुपीज़. तो अदर एक्सपेंसेस 1 लाख हो जाएगा 2015 का, और 2016 में 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 2016 में 12 लाख रुपीज़ है. तो 12 लाख रुपीज़ का 20% फाइंड करेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन में 2,40,000 रुपीज़. इसका डिफरेंस लिखेंगे 2,40,000 माइनस 1 लाख. तो 1,40,000 का डिफरेंस हो जाएगा. और परसेंटेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे सी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100. मीन्स 1,40,000 अपॉन 1 लाख मल्टीप्लाई 100. तो ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे. टोटल एक्सपेंसेस के बाद हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से लेस करते हैं एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस. तो हमारे पास 20 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जिसमें से हमारा टोटल एक्सपेंसेस है 11 लाख. तो 20 लाख माइनस 11 लाख इक्वल टू 9 लाख. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2015 का हुआ रुपीज़ 9 लाख. इन 2016 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रुपीज़ 36 लाख एंड टोटल एक्सपेंसेस इज 14,40,000. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज रुपीज़ 36 लाख माइनस 21,60,000. ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है. एब्सोल्यूट चेंज चेक करेंगे. एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है 21,60,000 माइनस 9 लाख.
इक्वल टू रुपीज़ 12,60,000 एंड परसेंटेज चेंजेस 12,60,000 डिवाइड 9 लैक्स मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज चेंज इक्वल टू 140%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड करने के बाद इसमें से लैक्स करते हैं टैक्स, टैक्स रेट है एट द रेट 50%, तो 50% 9 लाख का 50% 4,50,000 रुपीज़ एंड 21,60,000 का 50% 10,80,000 रुपीज़। तो ये फाइंड करेंगे के बाद हमारा आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, लेस करेंगे टैक्स 9 लाख माइनस 4,50,000 इक्वल टू रुपीज़ 4,50,000 एंड 21,60,000 माइनस 10,80,000 इक्वल टू रुपीज़ 10,80,000। तो चेंज देखेंगे हमारा एब्सोल्यूट चेंज कितना आया, 10,80,000 माइनस 4,50,000, तो ये चेंज आएगा हमारा 6,30,000 रुपीज़ का। परसेंटेज चेंज फाइंड करेंगे, परसेंटेज चेंज की फाइंड करने के लिए 6,30,000 डिवाइड 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें सॉल्व आएगा इसका परसेंटेज चेंज आएगा 140%। इस तरीके से हम इसके अदर क्वेश्चंस करेंगे, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी हम प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।